आज इस वीडियो अपडेट पे हम बात करेंगे पटना, दानापुर और भागलपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। साहेबगंज भागलपुर क्यूल रेलखंड पर चलने वाली इंटरसिटी ट्रेनों के यात्रियों के लिए क्या है गुड न्यूज और कौन सी नई सुविधा का लाभ आप लोगों को अब से मिलेगा, इसकी जानकारी आज हमारा चैनल आप लोगों को देगा। इस वीडियो के माध्यम से अब तक का सबसे लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए और इसी तरह की अपडेट लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। साहेबगंज भागलपुर क्यूल जमालपुर रेलखंड पर चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि साहेबगंज से दानापुर के बीच चलती है, यह ट्रेन के यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि इस ट्रेन में 4 कोच को रिजर्वेशन कैटेगरी से हटा दिया गया, जिसके बाद लोग लोकल रूट पर सफर करने के लिए जनरल टिकट लेके यात्रा कर सकते थे, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन कराना अनिवार्य नहीं था। इसके बाद दोबारा से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, जिसके बाद पैसेंजरों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है। दरअसल कोरोना की स्थिति में सुधार होने के बाद एक्सप्रेस सहित धीरे धीरे सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया, लेकिन सभी ट्रेनों की एसी से लेकर के जनरल कोच में आरक्षण टिकट पर ही सफर करने का कंपलसरी नियम बनाया गया था। जैसे ही स्थिति और अन्य विकल्प सामान्य हुआ तो वैसे ही भागलपुर दानापुर इंटरसिटी और साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को एक बड़ा सुविधा मिला, जिसके बाद कुछ कोच को रिजर्वेशन कैटेगरी से हटाया गया। मसलन किसी ट्रेन में यदि 4 सामान्य कोच है तो उनमें 2 कोच में आरक्षण की कंपलसरी को मान्य किया जाएगा, जिसके द्वारा अब इसे पूर्ण तरह हटा दिया गया। लेकिन 2 दिन पहले यानी गुरुवार की रात 12 बजे के बाद अगर आप इस ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप लोग लोकल जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो रिजर्वेशन के लिए आप IRCTC ऑफिशियल ऐप से करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट, जिसमें कि भागलपुर दानापुर जमालपुर क्यूल रेल सेक्शन के यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। इस वीडियो को आगे शेयर करें। इसके अलावा ट्रेन में सफर करने से पहले बुकिंग या फिर जनरल टिकट अवश्य करवा लें। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, साथ में हमारे चैनल को नई किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब।